हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन सिंह रावत और मैं हूँ राजस्थान अजमेर से। मैं नॉर्मल फ्लिपर हूँ, मतलब जो गार्डन में करता हूँ, और वैसा फ्लिपर हूँ, मैं कोई ट्रेनर फ्लिपर नहीं हूँ। पर जो आज की वीडियो है ये एक ट्यूटोरियल है, पर उससे आगे, मतलब जो ट्यूटोरियल से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आपके प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत ही शुक्रिया मैं बोलना चाहूँगा। और आगे बढ़ते हैं आप ट्यूटोरियल पे। जो ट्यूटोरियल है वो है साइड फ्लिप सिंगल लेग और डबल लेग। वो कैसे सीखते हैं वो बताना चाहता हूँ आज मैं आपको। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि, वैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ एक एग्जांपल कि साइड फ्लिप सिंगल लेग और डबल लेग होती क्या है, ये बता देता हूँ मैं आपको। सिंगल लेग साइड फ्लिप जो होती है वो होती है इस तरीके से, ये है सिंगल लेग साइड फ्लिप। और जो डबल लेग साइड फ्लिप होती है वो अलग होती है। मैं आपको बता देता हूँ डबल लेग क्या होती है। डबल लेग साइड फ्लिप होती है ये डबल, इसमें अंतर है, आप ऐसा ना सोचिए सेम ही है, दोनों में अंतर है। ये कैसे सीखते हैं तो आज का ट्यूटोरियल इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे क्या आप इसको कैसे सीखेंगे। साइड फ्लिप सीखने के लिए आपको आनी चाहिए कुछ एक्सरसाइज, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, आपको टक मोड़ने चाहिए। टक जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो इस तरीके से, वो करा 1 2 3 4 ऐसे रोज़ाना 15 या 20 कीजिए, जिससे आपका कोर मजबूत हो जाएगा और टक मोड़ने में आपको आसानी होगी। सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ, जो है रोल, साइड रोल बोलते हैं इसको, या आप वो कुछ भी समझ सकते हैं। वैसे साइड रोल ही ऐसे करके बॉडी ये रखी 1 2 3, ये करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, करना इंपॉर्टेंट है। जिस साइड फ्लिप और अच्छी होती है, परफेक्ट होती है। एक बार देखना वापस, ये आपने देख लिया, बार बार करना है, एक दो बार नहीं, बस बार बार। ओके, बढ़ते हैं लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो आपको फ़र्क पड़ेगा टक्स में, बाकी आगे तो बताऊँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है जो आपको है ना, आपके टक्स को अच्छा कर सकती है। ये मैं बस आपको टक्स मोड़ने के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपकी है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही होती है टक्स इन करना। तो ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो टक्स इन में होती है। ये देखिए, वो 1 2 3 4 5 6 7, मैंने सिर्फ 7 किया है, पर आप 15 या 20 कीजिएगा, जिससे आपके टक मोड़ने में आपको आसानी होगी। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अपने फाइनल स्टेप पे कि आप साइड फ्लिप को कैसे लर्निंग करेंगे। आपको मैंने 3 एक्सरसाइज बता दिए टक इन की, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप कर रहे हैं ना, तो आप ये देख रहे होंगे मिट्टी का कट्टा, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आपको अच्छा लगता है तो आप ये भर के रख सकते हैं। आप सीखना चाहते हैं तो इस पे जंप अच्छी आती है, आप ये नीचे से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर पहले प्रैक्टिस इससे कर लीजिएगा अगर आपको आसान में करना है तो। बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले आपको है ना एक एरियल आनी चाहिए। मैंने एक एरियल का ट्यूटोरियल नहीं बनाया है, पर मैं आगे जाके बना दूंगा, आपको आनी चाहिए एरियल। आप देख लीजिए पहले, यह है एक एरियल, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है कि साइड फ्लिप लेते कैसे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी साइड फ्लिप में। अब आगे बढ़ते हैं, जब आपको एक एरियल आ जाए तो आप है ना एरियल में यू करने की जगह थोड़ा यू कीजिएगा बॉडी ऐसे साइड में, क्योंकि साइड फ्लिप सीख रहे हैं ना इसलिए। अब बढ़ते हैं आगे, यही बॉडी 1 2 3 टक मोड़ना, जो मैंने अभी अभी एक्सरसाइज में सारे में बताया, टक मोड़ना 1 2 3। देखिए ये है तो एरियल, बस साइड फ्लिप में जाती है, 1 लेग्स साइड फ्लिप में जाती है। अब एक बार और बताता हूँ आपको, यही बॉडी 1 2 3। देखिए टक मोड़ना सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी से छोटी चीज़ को पकड़िएगा और आपकी फ्लिप बहुत अच्छी निकलेगी। अब बढ़ते हैं लास्ट मूवमेंट, जो डबल साइड है, जो सबसे मुश्किल होती है, मैं भी मानता हूँ बहुत टाइम लगा था सीखने में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो सिंगल लेग के बाद अपन चलते हैं डबल लेग पे। डबल लेग कैसे होती है मदर लो, ये आप जैसे एक रख रहे हैं, अब ये आपको दोनों साथ में ही रखने पड़ेंगे किसी भी हालत में। आप आ रही हैं, आपको किसी भी हालत में ये दोनों ही रखने पड़ेंगे, देखिएगा ये दोनों ही रखने आपको, और अपनी बॉडी को जैसे ट्विस्ट कीजिएगा। शुरुआत में आप है ना कम हाइट से ट्राई मारो, सेफली, और हाथ रख लीजिएगा जैसे मैं रख रहा हूँ, या क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आपको कोई इंजरी लगे, मेरे को अभी रिसेंटली लगी है, तो मैं किसी को चाहता नहीं किसी को इंजरी लगे। प्लीज़ आराम से कीजिएगा, ये चीज़ें बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, इसलिए आराम से कीजिएगा। यही बॉडी दी, जम दी हाइट तक, और सेफली हाथ रख लीजिए। शुरुआत में ऐसी ही आती है, मतलब बिगड़ी भी आती है, पर धीरे धीरे, ये डिपेंड है सिर्फ प्रैक्टिस पे, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, याद रखनी ये कितनी अच्छी होगी। आते वापस, धीरे धीरे हाइट बढ़ा सकते हो तो बढ़ाइएगा, 1 2 3। ये आएगी ज़रूर, ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं आती, बस आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लास्ट में समझा देता हूँ आपको कैसे करनी है।
सिंगल लेग यूं बॉडी लेके टक्स इन जो मैंने बताई आपको, और डबल हाइट टक्स लैंड, पूरी जंप अच्छी दीजिए। 1 2 ये परफेक्ट इसलिए आती है अगर आप प्रैक्टिस सही से करते हैं, पूरी जंप सही दीजिएगा, तक टाइट पकड़ के एकदम मोड़िएगा। तो ये वीडियो आपको इतनी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पास में घंटी का बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए, कमेंट में मुझे बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं 8 साल से सीख रहा हूँ उतना मैं आपको बता सकता हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो देखना मेरा तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, वो लाइक डिसलाइक वो आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू वेरी मच, मैं हूँ राजस्थान से, अजमेर से, पवन नाम है मेरा। थैंक यू, पीस आउट। You used to stop this world from spinning.